कानपुर में गुजैनी बाईपास पर पीएसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज की बस में पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि डंपर बस के अंदर घुस गया, जिससे बस में बैठे बच्चे घायल हो गए। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपकी बस? हमारी बस भी थोड़ी सी 300 मीटर दूरी पे थी। हाँ। और उसके बाद हमारी गाड़ी में जब हमने ब्रेक ली, लगी नहीं, दोबारा फिरने लगी, तब तक वो गाड़ी आगे वाली ब्रेक ले ली, उससे पीछे हम लड़ गए। कितने लोग घायल हुए हैं? कितने बच्चे हैं? पाँच छः बच्चे। हम लोग सब लोग आराम से बैठे हुए थे बस में, बात कर रहे थे, और अचानक से बस बिल्कुल भी ओवर स्पीड नहीं थी, वो नॉर्मल जैसी स्पीड पे चलाते वो वैसी थी। आगे से शायद कोई जो ट्रैक्टर हो गया, जो जिससे भी भिड़े हम लोग, डंपर था। डंपर था तो वो शायद उसने अपना स्लो स्पीड करा होगा, जिसकी वजह से हमारी बस एकदम से स्पीड कम नहीं कर पाई, लेकिन वो वैसे ओवर स्पीड बिल्कुल भी नहीं। कितने बच्चों को चोट आई? 5 से 6 बच्चों को आई थी, जिसमें से 2 लोग को हम लोग लेकर आ गए थे, बाकी